मान लीजिए कि मिठाई का दुकान आपका है और आपके पास खुद मिठाई है तो आप दूसरे से खरीदिएगा, नहीं खरीदिएगा क्योंकि आपके पास है। और जब चुनाव के टाइम में जो लोग वोट खरीदते हैं तो इसका मतलब है उनके पास वोट नहीं है, इसलिए खरीद रहे। अगर उनके पास वोट होता तो शायद वो नहीं खरीदता। तो इसलिए वोट हमारे पास है और हमारे लोगों को चुनाव के समय में गुमराह करके वो वोट ले लेते हैं। तो ये देश में जो आज़ादी से लेकर अब तक जो नहीं हुआ था वो मोदी जी के काल में हो रहा है। हम तो कहेंगे कि मोदी जी कुछ काम कीजिए, फिर ऐसा काम नहीं कीजिए कि जो किसी ने नहीं किया। तो ये देश में जो आज़ादी से लेकर अब तक जो नहीं हुआ था वो मोदी जी के काल में हो रहा है। हम तो कहेंगे कि मोदी जी कुछ काम कीजिए, फिर ऐसा काम नहीं कीजिए कि जो किसी ने नहीं किया। तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, बिहार से लेकर मुंबई तक संघर्ष किए हैं, बिहार में भी हमने संघर्ष किया, जो कभी नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया। तो आने वाले समय में भी उसी तरीके से संघर्ष होगा। और जैसे हमने कहा ना, 4 से 40 आने वाले समय बनाएंगे, एक समय होगा कि 125 बना के अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। देखिए कल मैं कटिहार में था, वहाँ पे वीरांगना पूरन देवी जी का साधना दिवस हम लोगों ने मनाया, साथ ही कटिहार जिला कार्यालय का उद्घाटन किया और अपने लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से पूरे बिहार में घूम रहे हैं। और इसी सिलसिले में रात में हमने पूर्णिया में नया अपने लोगों की पार्टी के पदाधिकारी से मुलाकात कर रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। और हम लोगों का लड़ाई जो है वो निषाद समाज को आरक्षण दिलाना है, जो आपके बगल में ही बंगाल है, बंगाल में निषाद से सभी जाति को आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। और यही आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते हमने 2018 में हमने पार्टी बनाया, 2020 तक हम लोग बिहार में अपने विचारधारा को जमीन तक पहुँचाया और उसके बदले में बिहार की जनता ने हमें 4-4 विधायक गिताके दिए और बिहार सरकार का हिस्सा में बना और अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे। तो लोगों को पसंद नहीं आया, उन लोगों को जो इस समाज को आज़ादी से लेकर अब तक गुलाम बना के रखे हैं, पैरों में हाथों में बेड़िया डाल के रखे हैं और वो देख रहे हैं कि अगर ये समाज अगर अपने पैर पे खड़ा हो गया तो शायद कल के लिए मेरे लिए भारी होगा, समस्या खड़ा होगा। इजली इस समाज को गुमराह करके पैसा दे के वोट लेकर और हम सरकार बना के राज करते हैं और ये समाज अगर अपने वोट का ताकत समझ लेगा तो शायद हमारे लिए आने वाले समय में समस्या खड़ा हो जाएगा और हम उस जगह पर नहीं पहुँचेंगे। तो इसलिए उन्होंने पहले पार्टी तोड़ा, फिर सरकार से बाहर किए, तो उनका जो काम था उन्होंने किया। अभी मेरा काम है संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना, अब पूरे बिहार में संगठन पार्टी को मजबूत करके और आने वाली बड़ी लड़ाई लड़ना। कल 4 विधायक बनाए, आने वाले समय में 40 बनाएंगे। ये तो बिहार के राजनीति में कि कोई कल्पना नहीं करता था कि एक मछली मारने वाले का बेटा बिहार में राजनीति कर सकता है, अपने विचारधारा को जमीन पर उतार सकता है, अपने लोगों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकता है या 4-4 विधायक बना सकता है, टिकट दूसरे जात को बांट सकता है। आज तक तो हमारे लोग दूसरे पार्टी में टिकट मांगने में पूरी जिंदगी बिता देते थे, चप्पल गिर जाता था लेकिन एक टिकट उनको नहीं नसीब होता था। लेकिन हमने 2020 में ये थ्योरी को हमने बदला और एक मल्ला निषाद का बेटा सभी जाति धर्म के लोगों को टिकट देने का काम किया। तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, बिहार से लेकर मुंबई तक संघर्ष किए हैं, बिहार में भी हमने संघर्ष किया, जो कभी नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया। तो आने वाले समय में भी उसी तरीके से संघर्ष होगा। और जैसे हमने कहा ना, 4 से 40 आने वाले समय बनाएंगे, एक समय होगा कि 125 बना के अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। वही उद्देश्य से अपने लोगों को जागरूक करें कि वोट बैंक की आप ताकत समझिए, आपके पास जो वोट गिराने का जो अधिकार है, जो आपके वोट का जो ताकत है, वही ताकत देश के प्रधानमंत्री के पास भी है। तो वोट से ही राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या विधायक हो या सांसद बनते हैं, लेकिन वोट हमारे पास रहने के बावजूद भी हम नहीं बनते। जिसके पास जो सामान रहता है वो सामान कभी किसी से खरीदता नहीं है। अब मान लीजिए कि मिठाई का दुकान आपका है और आपके पास खुद मिठाई है तो आप दूसरे से खरीदिएगा, नहीं खरीदिएगा क्योंकि आपके पास है। और जब चुनाव के टाइम में जो लोग वोट खरीदते हैं
तो इसका मतलब है उनके पास वोट नहीं है, इसलिए खरीद रहे। अगर उनके पास वोट होता तो शायद वो नहीं खरीदता। तो इसलिए वोट हमारे पास है और हमारे लोगों को चुनाव के समय में गुमराह करके वो वोट ले लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो लोगों ने लड़ाई लड़ा, आजादानी श्री लालू प्रसाद जी ने लड़ाई लड़ा, बिहार में राजनीति में आए, चाहे मुलायम सिंह आए या बहन मायावती जी आए या स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी आए, ये लोग सामाजिक न्याय को मजबूती दिए, इनके समाज आगे बढ़े। उसी तरीके से हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा अगर अधिकार है तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य पूरे बिहार में घूम रहे हैं। ये जो GST लागू कर दिया गया है सर, इस पे क्या सोचते हैं? तो ये तो अभी जनता को सोचना है कि 75 साल के बाद पहली बार देश में ऐसी सरकार आए हैं जो कभी नहीं हुआ, वो सब अद्भुत काम कर रहे हैं। कपड़े पे टैक्स लगा रहे हैं, आपके आटा पे टैक्स लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो आप ये जनता को समझना है कि आपको कैसी सरकार चाहिए। आपको पनीर पे टैक्स लगा रहे हैं, दूध पे टैक्स लगा रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप बड़े बड़े उद्योगपति का हजारों लाखों करोड़ रुपया माफ कर दे रहे हैं और उसका जो बर्डन है वो आप जनता पे, गरीब जनता पे डाल दे रहे हैं। तो भाई उसको लोन देने से पहले सोचिए किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। यहाँ बिहार राज्य हो या अन्य राज्य में युवा को 5-10 लाख रुपया नौकरी के लोन लेने के लिए आप उनके परेशान करते, एक एजुकेशन लोन लेने के लिए आप परेशान करते, जल्दी लोन नहीं देते, लेकिन आप 1-1 लाख करोड़ 2-2 लाख करोड़ रुपया लोन दे रहे हैं ऐसे आदमी को जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। वो पैसे को लेके दया माया कर देते हैं और फिर आपको उनको माफ करना पड़ता है। जब माफ करते हैं तो फिर खजाना भरने के लिए गरीब के जेब से फिर 1-1 रुपया करके निकाल के और खजाना भरते हैं। तो ये देश में जो आज़ादी से लेकर अब तक जो नहीं हुआ था वो मोदी जी के काल में हो रहा है। हम तो कहेंगे कि मोदी जी कुछ काम कीजिए, फिर ऐसा काम नहीं कीजिए कि जो किसी ने नहीं किया। जो समाज को बताइए, कपड़ा पे या खाने पीने के सामान पे ये टैक्स लगाना, ये मतलब कहीं से सही नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को अमीर लोग भी उपयोग करते हैं और गरीब लोग भी उपयोग करते हैं। और देश के सरकार ने सोचा कि गरीब लोगों को ये सब चीज़ में परेशान नहीं करना, इसलिए नहीं किए थे। लेकिन अभी की सरकार अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी सोचना चाहिए। अभी भी योजना पे क्या कहेंगे सर? अभी भी योजना से देश के क्या कहेंगे? इसमें भी अब देखिए, देश में सरकार पॉलिसी बनाना होता है और देश के जनता के लिए, युवा के लिए बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए 4 साल की नौकरी करते हैं और जब देश के जनता ने, युवा ने रोड पे खड़ा हुआ तो सेना को उतार दिए। जनरली हम सेना को उतारते कब? जब पाकिस्तान से लड़ाई हो, चीन से लड़ाई हो, दूसरे देश से लड़ाई हो, उस समय हम सेना को उतारते हैं। और हमारे देश के मुखिया हमारे युवा के प्रति सेना को उतार दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में करवा दिए कि भाई तुम ऐसा करोगे तो तुमको नौकरी भी नहीं आने देंगे। यानी कि डरा धमका के ये अपना योजना को लागू करें। भाई योजना किसके लिए लागू करें? युवा के लिए, गरीब के लिए, देश के नागरिक के लिए? और वो नागरिक को वो पसंद नहीं है तो आप उसके ऊपर विचार कीजिए, संशोधन कीजिए, उनसे बात कीजिए, ना ही कि सेना को उतार कर और आप जो बोल दिए वो करना है। भाई इससे पहले किसान आंदोलन किया, फिर वहाँ क्यों झुके? सरकार तो 2 साल के बाद आपने वहाँ पे झुका ना, कि आपने किसान आंदोलन के सामने आप झुका, आपने माना कि हमने जो योजना लाया वो गलत लाया। तो ये भी योजना आपका गलत है। आप बताइए देश में 4 साल का नौकरी होगा तो ये सब सारे चीजें, और इसमें ये नौकरी करने के लिए कौन जाएगा? खासकर गरीब पिछड़ा ऐसे समाज में से जो लोगों को 30,000-40,000 का नौकरी करना है, से जो बॉर्डर पे जाके गोली खाने के लिए तैयार रहता है कि हम देश का सुरक्षा करने के लिए जा रहे हैं और उसको आप 4 साल की नौकरी कर रहे हैं। तो भाई ये भी कर दीजिए कि जितना भी सांसद है, विधायक है, उनके घर परिवार के बेटा भी पहले सेना में भर्ती हो। तो ये सब चीज नहीं करेंगे और उनको आप नौकरी 17 साल से घटा के 4 साल कर देंगे तो, और उस पे युवा अगर रोड पे आए तो उसको आप सेना उतार के उनको डराइएगा, धमकाइएगा। तो ये अभी देश के युवा को सोचना है। एक उम्मीद से हम लोगों ने मोदी जी को लाया कि अच्छे दिन आएंगे। आज देश के युवा को, गरीब को, पिछड़ा को, ऐसे लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति को लिए अच्छे देखने के लिए मिल रहा है। आप बताइए कि कोरोना काल में 2 साल में 5 मिलियन से बढ़ा के सीधा 150 मिलियन, मतलब हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति अडानी बन जाता है। 2,500 गुना ज्यादा
विधि हो जाता है। आप बताइए कि कैसे हो रहा है। यहाँ कोरोना काल में घर परिवार लोग चला ले वही उनके लिए था, और ये इतने बड़े दुनिया तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी का पॉलिसी है, और बिहार के जनता और देश की जनता को समझना है कि वो जो कर रहे हैं वो सही करें कि गलत करें। आप और 2024 का समय आएगा, देश की जनता को लगेगा गलत है तो उसका निर्णय लगभग सरकारी दफ्तरों को प्राइवेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। यही सब है ना, आप जो चीज सरकारी था और देश के लोगों के लिए था, देश के लोग उस पर काम कर रहे थे, उसको प्राइवेट कर रहे। देश के 12 एयरपोर्ट को अपने अडानी को दे दिया, हर सरकारी संस्थान को आप प्राइवेट करते जा रहे हैं, रेलवे को प्राइवेट करते जा रहे हैं, तो फिर मतलब ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो? जनता को बताइए ना कि पहले जो हो रहा था वो क्या गलत हो रहा था, और आप अभी कर रहे हो वो कितना अच्छा हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, देश की जनता भी समझ रहे हैं और हम लोग पूरे अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और आने वाले समय में विस्तार से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।